देखिए देखिए, सलमान खान दोषी पाए गए हैं। देखिए, आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। बाकी धाराओं में क्या सजा दी? बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं। यानी सेक्शन 3, 134, 181, 182, 184, 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। जिस तरीके से ये मामला चला कोर्ट में, आप संतुष्ट हो? देखिए, मैं जैसा हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हम न्यायालय के, देखिए, हम मेरा ऐसा कहना है कि हम हमारे तरफ से जो सच है वो बाहर लाने की पूरी कोशिश की, और न्यायालय ने भी आज ये स्वीकार किया है कि आरोपी ने गुनाह किया है। और हमारी जो न्यायालय के सामने आर्ग्यूमेंट है कि इस तरह का गुनाह फिर से ना हो, इसके लिए आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए जो रीजंस रहते हैं, जो वजह रहती है, अभी तक हमारे हाथ में कॉपी नहीं आई है, तो जब तक मेरे हाथ में जजमेंट की कॉपी नहीं आती, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अशोक सिंह का जो बात था कि अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था, न्यायालय का कहना ऐसा है कि अशोक सिंह की जो गवाही है न्यायालय के सामने, वो बिल्कुल झूठ गवाही है और उसे स्वीकार किया नहीं जा सकता। लेकिन जो सजा दी है 5 साल की, बहुत ही ज्यादा ज्यादा है। कम से कम 1 साल भी नहीं, 5 महीने भी नहीं, सजा देनी ही नहीं चाहिए था, ये हमारी उम्मीद है। और हाईकोर्ट इनको भाई साहब बरी करेंगे और इस केस से छुटकारा मिलेगा। भाई मेरी जान है, इस दुनिया की शान है, इसीलिए उनका नाम सलमान खान है। सुनता है वो सबकी, करता है वो अपनी मन की, ना किसी ने रोका है ना किसी ने टोका है। जो उसके साथ आया हर किसी ने उसको ठोका है। भाई सपोर्ट, आई सपोर्ट यू सलमान भाई। भाई आपको कुछ नहीं हो सकता है, सलमान भाई की जय हो। सलमान आपको कुछ नहीं हो सकता है।